गुड मॉर्निंग एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग इट इज़ यार, व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग इट इज़। सनराइज़ यहाँ पे हुआ जो कि अभी आपने देखा, और क्या फील था यार, गजब ही। मैं लास्ट टाइम भी आया था यहाँ पे तो सनराइज़ मिस हो गया था, इस बार तो मैं जानबूझ करके जल्दी उठ गया था। 5 बजे सुबह नींद खुल गई थी, बहुत देर से टाइम चेक कर रहा था कितने बजे होगा सनराइज़, तो 6:00 पे था, 6:40 टू बी वेरी प्रिसाइज। तो क्या मेस्मराइजिंग था यार, बैकग्राउंड में ये माउंटेन्स के साथ ना, बाय गॉड बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, क्या ही बताऊँ। यहाँ पे देख सकते हो यार ये सारे कॉटेज, रात में आए थे हम तो कुछ दिखाना मुमकिन नहीं हो पा रहा था। ये सारे कॉटेज हैं यहाँ जो कि एक लाइन से हैं, और ये यहाँ से व्यू है यार वैली का, बहुत ही खूबसूरत, वाह मज़ा आ गया। और ना सबसे अच्छी बात क्या है ना कि अभी जो है धूप निकल रही है और ठंड इतनी नहीं लग रही यार। तो बोला जाए ना तो अभी ऑल्दो मैंने जैकेट वैकेट डाल रखा है, लेकिन प्लीजेंट मौसम है यार, प्लीजेंट मौसम है, मतलब ठंड नहीं है इतनी ज़्यादा और धूप निकल गई है तो और अच्छा फील हो रहा है। तो भाई क्या ही बोलूँ, मतलब मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। सुबह मतलब उठने का जो मज़ा था ना, एकदम ज़बरदस्त ज़बरदस्त। चलो थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, 5 बजे सुबह से उठे हुए भाई। सुबह उठने के बाद जो है ना, बहुत देर तक तो है फोटोग्राफी वीडियोग्राफी और पता नहीं क्या क्या चल रहा था, और बहुत देर तक मनोज भाई का बकर जो है ना वो खत्म नहीं हो रहा था। भाई ने जो रात में ट्रैक्टर चलाया है ना, ट्रैक्टर भी नहीं बोलना चाहिए, पता नहीं क्या बोलना, जनरेटर धक 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 धक, ये देख लो यही है, गलत बोल रहा है इंसान है ना, बिल्कुल एकदम, चेहरे से नहीं लग रहा कितना मासूम आदमी है ना भाई। इनके जैसा आदमी मैंने रात में, मतलब जो डसता हो ना, मैंने नहीं देखा भाई। मैंने रूफटॉप कैंपिंग की थी और मैंने बहुत सही डिसीजन लिया था। झूठ 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 भाई साहब, कैसे सोते हैं ना, सो रहे सामने वाला डर जाए भाई मतलब सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं भैया, चेस करो आप चेस यार, तो भाई बेकार की बातें तो ये ना, ये बिल्कुल खतरनाक है, बहुत खतरनाक इंसान है ये। मेरे बारे में बेकार की बातें मत करो डॉक्टर साहब, चेस करो चेस, छोड़ो अभी पानी, गर्म पानी पीते हैं रात भर का जो है इनका खर्राटा, और क्या व्यू था यार, मजा आ गया। चीयर्स चीयर्स टू द वंडरफुल लाइफ। और यहाँ से जो व्यू है वो तो आपको दिखाया ही अभी मैंने यार, बहुत ही मजेदार है, मतलब बिल्कुल सूदिंग है यार। देखो यहाँ पे मैं अगर हनीमून पे आता तो मुझे ज्यादा मजा आता, पर आपसे भी मैंने काम चला लिया वैसे ठीक था है ना साला, रात भर सोने नहीं दिए हो आप, मतलब आपने जो डसा है ना, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, काम ही मेरे साथ जो आता है मैं उसे सोने नहीं देता, इतना रोमांटिक आदमी हूं है ना। वेदर बहुत ही प्लीजेंट है, बहुत ही प्लीजेंट है, मतलब ना ठंड लग रही है ना गर्मी लग रही है, धूप बहुत अच्छी लग रही है, और क्या ही बताऊँ, मतलब जितना कुछ बताया जाए इस जगह के बारे में ना, दिस इज द प्लेस वेयर आई रियली बिलोंग्स टू यार। माउंटेन्स पे आकर के ना कहीं पे भी चले जाओ ना, अलग ही फन आता है, मतलब अलग ही सूदिंग सी, फन छोड़ो मतलब अलग ही सूदिंग सी फीलिंग आती है। चलो इस नज़ारे को निहारते हैं थोड़ी देर, और ब्रेकफास्ट और कॉफ़ी के लिए पता करते हैं कि भाई भैया आप ला दीजिए, अब तो हम उठ चुके हैं, किचन उस साइड है अपना, भैया नहीं उठे ना, नहीं भैया उठ गए, उठ गए। ये रही अपनी कॉफी, और यार इस व्यू के साथ अगर ये कॉफी मिले ना तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है ना। आई एम हैविंग गाला टाइम, है ना, इसी गाला टाइम के लिए तो गाला करने आए थे हम, यहाँ गल्ला करने आए थे यहाँ पे, दिल दिया गल्ला यही सुर आपने अगर रात में लगे बजाए होते ना, अख नाल अख नु मिला Cheers. भाई ये अभी इतने अच्छे सुर में बात कर रहे हैं रात में, तो भाई साहब तो ये टांग फैला करके आप यहाँ बैठे पड़े हो, सामने ये व्यू है, हाथ में कॉफी हो, और क्या चाहिए जिंदगी में, क्या चाहिए आपको जिंदगी में, इसके अलावा और कुछ चाहिए। ये देखो टांग देखो इनकी, चाहिए टांग के साथ टांट भी देख लो, देखो भैया ब्रेकफास्ट मिलेगा, बन गया तो हम रेडी हो जाएं फिर ब्रश व्रश करके, हाँ हमें लगा हम वेट कर रहे हैं कि कुछ बताओगे आप, बन गया है, चलिए फिर हम रेडी हो क्या। तो भाई ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है जो कि मेरे पास तो नहीं है, तो मनोज भाई से रात में उधार लिया भाई, रात भर तो उधार लिया था भाई, क्यों लिया था, क्योंकि आप मान नहीं रहते तो भाई समय हो गया ऑलमोस्ट 9:00 हो रहे हैं, 9:30, और भाई अभी जो है ना हाथ में ब्रश लेके जा रहे हैं, पैसे लेते हैं साथ में सोने के भाई, इनके साथ सोना और
अपने आप को टॉर्चर करना, तभी तो पैसे लेते हैं हम कि भाई ये टॉर्चर सहने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती है यार। नहीं नहीं यार, मैं बहुत ज्यादा रोमांटिक हूँ एक्चुअली। हाँ। यार मनी भाई को ना वो इतना अच्छा लगा ना, मनी भाई सोई नहीं पूरी रात, तो कोई बात नहीं यार भाई, अभी तो एक रात और बाकी है। अरे बाप रे, वही सोच सोच के डर लग रहा है। अरे ऐसा नहीं करो भाई। तो यार फिलहाल के लिए ना, अब ब्रेकफास्ट करने के लिए हमने ब्रश वश करके थोड़ा सा फ्रेश हो गए, अब जाते हैं। फ्रेश क्या हुए, कुछ नहीं, ब्रश किया है सिर्फ। इतना लेजी वाला काम कर रहे हैं ना कि कोई बात नहीं यार, कहाँ जाना है, यहीं पास में तो जाना है। तो अभी फिलहाल के लिए ना ब्रेकफास्ट करने चलते हैं, और ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है फिर यहाँ पे पैक वैक करेंगे, और उसके बाद फिर निकलेंगे यहाँ से। भाई आई लव मनलेखी यहाँ पे देखो बना हुआ है, क्या जबरदस्त लग रहा है ना। यहाँ पे आते समय एक फोटोग्राफ लेंगे। अभी फिलहाल के लिए चलते हैं वहाँ पे। मनोज भाई आगे आगे जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, किचन में चलेंगे अभी और वहाँ देखते हैं आज बना क्या है किचन में खाने के लिए। क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त। अरे भरपूर मिलता है, है ना भैया। मुझे खाना नहीं, मुझे प्यार चाहिए, प्यार। यहाँ खाना और प्यार दोनों भरपूर मिलता है। प्यार लो। फाइनली आ गया हमारा, ये रहा भाजी और ये गर्मा गर्म पूरी। इस साइड है सैंडविच जो कि कुछ हमने खा लिया क्योंकि रहा नहीं जा रहा था, और इधर है फिर से भूख। वही इससे पहले कि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगे और ये ठंडा हो जाए, खा पी के खल्लास करते हैं। चलो भाई यार, खाना खाना एक बात होती है, मतलब कहीं पे भी बैठ करके आप खा सकते हो, क्या मनोज भाई, बट खाना खाते वक्त यहाँ से ये जो व्यू है ना, ये इम्पोर्टेंट है भाई। आप जहाँ बैठे हो वहाँ से अगर खाना खाते वक्त ऐसा व्यू दिखाई दे, नथिंग लाइक इट यार, नथिंग लाइक इट। क्या बोलते हो मनोज भाई? मनोज भाई तो कुछ बोल ही नहीं रहे ना, सीधा एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कि 5 हॉर्स पावर का ना मोटर ऑन कर दिया है, सट्टा सट अंदर जा रहा है। ऑलमोस्ट बैग पैक है, और बैग पैक होने के बाद नहा धोवा लिया, ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं यहाँ से। अब चेहरा देख रहे हो ना, अब थोड़ा सा जो है ना चेहरा जाकर के फ्रेशन अप हुआ है, शेव वेव किया, थोड़ा सा रेडी हुए, नहाए धोए, तो अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है। और बाहर यार माहौल देखो, क्या माहौल है भाई यहाँ का, और ये वाला माहौल तो आपको पता ही है, बिगड़ा हुआ शाहरुख खान। निकल चले अब यहाँ से, और चले अब यहाँ से निकलते हैं। ये था हमारा रूम जिसको हम गुड बाय करते हैं और इधर से निकलते हैं। ऑलमोस्ट 10-15 मिनट के बाद फिर वो रही अपनी गाड़ी। तो भाई सामान वामान रखा गया है गाड़ी में, हम भी तैयार हो चुके हैं। स्मार्ट लग रहे हो भाई, पर मेरे से काम। हाँ, आपके वाले में ज़्यादा ग्लेयर है, ग्लेयर ज्यादा है, स्मार्ट ज्यादा है, कोई नहीं। तो भाई अब बनलेखी से निकलते हैं, और अब बनलेखी से चलेंगे हम कहाँ हमें भी नहीं पता है। तो अभी तक का जो प्लानिंग था ना हमारा वो फिक्स था, लेकिन अब जो है वो पता नहीं है भाई कहाँ जाना है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहीं पे आसपास ना कहीं पे ना परीताल था, जो कि मनोज भाई के लिए परी लेना ना पैकेट में करके लेके आना था इन्हें, तो परीताल के लिए पता करते हैं कहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है, और उसके बाद फिर मनोज भाई को दिलाते हैं परी, क्योंकि मनोज भाई इतने दूर आए हैं सिर्फ और सिर्फ परियों के लिए, परियों के लिए। तो अभी फिलहाल के लिए यहाँ से जो निकल रहे हैं ना उसका रास्ता एंजॉय करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो रास्ता जो था वो रात में कवर किया था, तो दिन में आपको दिखाना बनता है। ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर पे बाद जो है ना आपका परीताल है, तो वहां पे चलते हैं और उसका ट्रैक करते हैं। चला जाए,
चलो जी, गाड़ी अपनी यहीं पे पार्क हो गई, भैया से थोड़ी जो है बात भी हो गई और अब चला जाए। तो जब कभी ट्रैक पे जाते हैं ना तो एक कैरी बैग जरूर रख लेना चाहिए, और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसमें एक बॉटल पानी, आपके मोबाइल का चार्जर, एक पावर बैंक। शराब कौन बोलता है शराब? हम शराब शबाब की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, है ना। तो नदी है यार, नदी के किनारे बैठने का बहुत मन हो रहा है, लेकिन अभी नहीं, रिटर्न में जब थकावट हो पैर डुबा करके आराम से बैठेंगे। और अच्छी बात ये है भाई कि हवा चल रही है। हाँ, ठंडी ठंडी हवा चल रही है अभी, ठंडी हवा चलती है तो इसलिए आपको अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये रहा यार ये नदी और वो था पुल, यार क्या जबरदस्त लग रहा है ना, बहुत ही जबरदस्त। चलो शुरू करते हैं ट्रैक। ऐसा है कि ये रास्ते जो है ना ऐसे ही हैं, और नदी का आवाज़ देखो सुनाई दे रहा है आपको। ये जो है ना ये से नेचुरल साउंड बोलते हैं, जो कि बहुत ही सूदिंग है, बहुत ही सूदिंग है भाई। चलो मनोज भाई आगे बुला रहे हैं, चलते हैं। तो ये रिवर क्रॉसिंग करनी है हमें, बहुत दिक्कत होगी, धीरे धीरे करके चलते जाना है। पानी बहुत ही साफ है और इस साफ पानी को साफ ही रहने दें, यहाँ आए तो प्लास्टिक ना फैलाएं। बहुत अनुरोध है आप लोगों से कि प्लीज़ जितना साफ दिखाई दे रहा है ना इसे इसी तरह से रहने दें, और उसके लिए आप प्लीज़ यहाँ आए, पार्टी वार्टी ना करें, प्लास्टिक प्लास्टिक ना खाना। एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर कर लोगे तो थैंक यू सो मच, ये ऐसा ही रहेगा, अगली बार आओगे फिर ऐसा ही दिखेगा, तो आपके ही आँखों को सुकून मिलेगा। चलो फिलहाल के लिए इस नदी को क्रॉस करते हैं। तो नदी के किनारे जो है हम बढ़ते जा रहे हैं, और धूप भी है अब ना, जब आप चल रहे होते हो ना तो फिर आपको गर्मी ज़्यादा लगती है, तो अब लग रहा है कि कपड़े ज़्यादा पहन लिए मैंने। कोई नहीं, अब जब पहन लिया तो पहन लिया, धीरे धीरे चलते जाना है। भाई बताया गया था परीताल है, हम भी तो एकदम तैयार होके चश्मा उस्मा लगा के आए थे कि परीताल में जो है परियां मिलेगी। भाई जंगल वाला रास्ता है, झाड़ी है, और जो है साइड साइड में जो है कैक्टस भी है भैया, तो आना अगर यहाँ तो बढ़िया से आना, है ना, संभल के, बहुत ज़्यादा कैक्टस है, बहुत बड़ा बड़ा कैक्टस है भैया, थोड़ा संभल के आना, ठीक है। परी के नाम पे बड़का बड़का कैक्टस जो है एकदम से जो है ना आके भिड़ जाएगा आप में, और उसका जो कांटा है बहुत ज़ोर से चुभता है भैया, देख रहे हो, परीताल के नाम पे बहुत बुरा हुआ है हमारे साथ। चलो अभी और आगे जाना है, पता नहीं और क्या क्या दिखाएंगे ये लोग। मनोज भाई तो अकेले भाग गए, बोले ये कैक्टस से अच्छा हम दौड़ते हुए चले जाएंगे, अरे कोई बात नहीं, चलो अकेले ही हैं हम। तो क्या है ना कि कुछ लोग पहले आगे जा रहे थे, उन्होंने बताया कि नहीं रास्ता क्लोज है, तो हम सोचे कि अब क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। फिर लास्ट में वो भाई लोग थे, उन्होंने बोला नहीं नहीं गाँव से एक रास्ता है, उससे आप होकर के जा सकते हो, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमने ये वाला रिवर फिर से क्रॉस कर लिया, छोटा सा रिवर है नन्ना मुन्ना सा, और अब इसे वापस से ट्रैक करते हैं और ऊपर चलते हैं। गांव के बगल से बता रहे हैं कि कोई रास्ता है, कोशिश करना तो नहीं छोड़ेंगे हम। यार ये कोई प्रॉपर्टी है ना, किसी का प्राइवेट ही है ना, तो किसका भाई यहाँ तो यार सॉलिट्यूड ड्राइव। नहीं ऊपर से चलेंगे ना, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो गांव का रास्ता ये होना चाहिए। पूछें किसी से, कोई है भी तो नहीं जिससे पूछ सकें यार। गजब का कंफ्यूजन है ना यहाँ पे, मतलब एक रास्ता जो है मनोज भाई ऊपर से उस साइड से ऐसे करके जा रहा था, और दूसरा रास्ता ये था, तो मैंने सोचा चलो नीचे वाला ही रास्ता लेते हैं, क्योंकि ताल का मतलब पानी जमा होता है ना, तो भाई मैंने बोला नहीं आप नीचे ही आ जाओ। तो फिर यहाँ पे फाइनली दीदी से पूछा, दीदी ये बता दो परीताल का रास्ता इधर ही है, तब फिर उन्होंने बताया कि नहीं इधर से चले जाओ, यहाँ से ही रास्ता है। रास्ता जो है ना डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है यार। तभी बोलते हैं ना यार डिफ़िकल्ट रास्ते से ही आप जो है ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन पे पहुँच सकते हो। यार कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, और बियर्ड गिल बनने की कोशिश भाई ब्रेक लगाना बड़ा मुश्किल है, आवाज़ सुनाई दे रहा है और हम खींचे चले जा रहे हैं। ओह गॉड यही परीताल है, मतलब ये अभी पहुँचे नहीं है, उस साइड से अभी रास्ता बाकी है। चलो जी अब ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं, तो दर्शन करते हैं परीताल का। देख रहे हो कैसे कैसे रास्ते हैं,
ओहो क्या बात है, क्या बात है, मज़ेदार। मनोज भाई आपको वहाँ से दिख कैसे गया, यही बड़ी बात है। और ये म्यूज़िक सुनो यार पानी का, उसे एंजॉय करो, तब तक मैं रास्ता कवर करता हूँ। ओके भाई जंप, और पता नहीं कैसे कैसे ट्विस्ट एंड टर्न। ये शूज भी गलत पहन रखे हैं, क्रॉक्स पहन के आया था। भाई पहुंच गए फाइनली परीताल के पास, और कहते हैं यार यहाँ पे ना दिसंबर के महीने में रात में जो है ना परियाँ आती है, और तो हम दिसंबर के महीने में तो नहीं आ पाए, लेकिन हाँ फेब के महीने में आए हैं तो परियाँ तो नहीं दिख रही, लेकिन हम ज़रूर नहा लेंगे इसमें। पता नहीं नहा सकते हैं नहीं नहा सकते हैं, ये भी एक पता नहीं है बात, तो अभी सोचा नहीं है कि नहाना है नहीं नहाना है, बट इट इज़ ब्यूटीफुल यार, इट इज़ ब्यूटीफुल। चलो एक कोशिश करते हैं इस साइड से ऐसे जा करके वहाँ का व्यू दिखाते हैं आपको। बहुत ही खूबसूरत है यार, बहुत ही खूबसूरत है। बहुत देर से मन हो रहा था ना कि हाँ पानी में पैर रख करके बैठूं थोड़ी देर, तो अब ये जगह मिल गया हमें जहाँ कि हम जो है आराम से सुकून से बैठ सकते हैं, थोड़ी देर जो है पानी में पैर रख करके आराम करेंगे थोड़ी देर। से देखो ना तो यहाँ से पता लग रहा है कि कितना पानी गहरा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गहरा है, मतलब जितनी हाइट इस पत्थर की है ना उतना गहरा है, मतलब पता नहीं इसमें रिफ्लेक्शन में आपको पता चल रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पे देखो, देन यहाँ देखो, और फिर यहाँ देखो, ये गहरा है भाई। इस जगह को छोड़ करके ना जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है, बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है। मैं यहाँ पे ना पानी में पैर थोड़ी देर डाल करके बैठा हुआ रहा था, बहुत गहरा है, तो इस साइड जाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे हैं। और भाई अब छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, मतलब जहाँ पे है ना ये लोकेटेड बहुत ही खूबसूरत है यार, जितनी बड़ाई करूँ कम है। आपको आना पड़ेगा यहाँ पे ना, कैमरा कभी भी जस्टिस नहीं कर सकता इस चीज़ का, मैं कितना भी बोल लूँ। तो अब यहाँ से वापस वाला रास्ता चलते हैं, क्योंकि रिटर्न वाला रास्ता पत्थरों से होकर के है, और जब आप ना रिटर्न पत्थरों पे जाते हो ना चढ़ना थोड़ा आसान होता है, बट उतरना ना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आपको ब्रेक लगाना पड़ता है। चलो करते हैं रिटर्न जर्नी शुरू, और परीताल को करते हैं बाय बाय, मिलेंगे आपसे वापस फिर कब पता नहीं, लेकिन कभी तो आएंगे वापस। चला जाए मनोज भाई, अब वहाँ पे चिल्ला रहे हैं, देख रहे हो कैसे कैसे रास्ते हैं, इस पे से होकर के आना है। अरे मनोज भाई कहाँ कहाँ से ले आए हो आप, ये देखो, वाह वाह वाह। जाने में ना थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट रास्ता है, बट आराम से करेंगे, यहाँ से वहाँ कूदना है हमें। चलो जी जंप, तो धीरे धीरे करके उतर जाते हैं। अब यहाँ पे ऐसे मोबाइल लग देते हैं, आप लोग समझ जाना यहाँ से वहाँ पहुँच गया। बहुत ही डिफिकल्ट रास्ता है यार, यहाँ पे धीरे धीरे करके उतरना है आपको, थोड़ा सा पैर टिका के सो दैट कि आप गिरो मत। और ये जगह तो बहुत सारे रिवर क्रॉसिंग मिलेंगे आपको, जैसे ये छोटे छोटे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, रिवर क्रॉसिंग बोले तो समझ जाएगा ना, लेकिन हम लोग बिहड़ गिने। देखो देखो कितना खूबसूरत है, हवा चल रही है, कलकल कलकल की जो आवाज़ है ना ये बहुत सूदिंग लगती है भाई, बहुत सूदिंग लगती है। वाह 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 वाह, क्या बात है क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत ही मज़ेदार। आवाज़ सुनो यार, आवाज़ सुनो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे बस चलते जाना है, बस चलते जाना। यार बहुत गौर से अगर आप देखो ना, जिस ट्रैक से हम जा रहे होते हैं सर नीचे करके अगर जा रहे होते हैं तो हमें पता नहीं लगता है, बट कहीं उधर ऊपर कहीं अगर आपको दिखाई दे ये रहा, ये देखो यहाँ पे ना कहीं पे रोड है जहाँ से होकर के ना हम आए हैं, एंड देन फिर नीचे आए हैं, तो भाई ऊपर कहीं पे रोड है, कहाँ गया, ओके जूम आउट, ओके यस
तो यहाँ कहीं पे रोड है, और अगर ढंग से देखा जाए ना तो यार ये जगह मतलब बहुत ही खूबसूरत है। मतलब चारों तरफ क्या सन्नाटा है यार, क्या सन्नाटा है चारों तरफ। मतलब कैक्टस पे ध्यान मत दो, मनोज भाई उधर जा चुके हैं, जंगल में हम अकेले हैं। इधर ना कुछ भी पॉलीथीन वगैरह भी खड़खड़ करता है या पत्ते भी खड़खड़ करते हैं ना, तो लगता है यार कोई जानवर तो नहीं आ रहा है। ऑल्दो ऐसा कुछ होगा नहीं, बट फिर भी डर तो डर ही लगता है यार, कहीं भी आ सकते हैं जानवर तो। बट है यार बहुत ही सुकून वाली जगह, चारों तरफ पहाड़ों के बीच में है ये जगह। वाओ बहुत ही अच्छा लगा। देखो यार क्लाउड का फॉर्मेशन देखो यहाँ पे, नेचर एट इट्स बेस्ट। थोड़ा सा ही रास्ता रह गया है और अब हम पहुँच जाएंगे अपने कार के पास। तो आज की प्रॉब्लम यही है ना कि हमारे पास ना रहने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि हमने बुकिंग कराई नहीं, और इसका सारा श्रेय जाता है मनोज भाई। मैंने बोला था कि आप जो है ना बुकिंग कर लो, लेकिन मनोज भाई तो मनोज भाई हैं, अरे वहाँ चल के देख लेंगे, कर लेंगे। और यहाँ आए तो पता चला कि बुकिंग ही नहीं है, मतलब खाली ही नहीं है। तो कोई नहीं, चलो ऐसा होता है। तो इसीलिए तो अनएक्सप्लोर्ड जगह पे ऐसे ही तो पहुँचते हैं हम लोग खोजते खोजते ना। ये वाला जगह भी ऐसा ही था, यहाँ पहुँचे थे खोजते खोजते। हाँ तो कहीं और भी पहुँच ही जाएंगे, दिखाएंगे आपको अभी कहाँ जाते हैं, आज रात में रुकते कहाँ पे हैं वो भी बताएंगे आपको। अरे भाई कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं आ गए, इसी रास्ते से आए थे? नहीं रास्ता ही भटक गया यार हम तो, मनोज भाई अलग रास्ते पे, हम अलग रास्ते पे। थोड़ा दूर आगे गए देखते हैं, वो तो रिवर क्रॉस करके उस पार पहुँच गए। मैंने बोला मनोज भाई आप उधर कैसे, हम इधर, यहाँ हम कोई और रास्ता ले लिए भाई, चलो वापस से चलते हैं। बिहड़ गिल जो है जंगल में खो गए हैं, दो रास्ते थे, हमने गलत रास्ता ले लिया इधर वाला, हमें लेना था उधर वाला रास्ता। ये है वो जगह यार, यहाँ से इस नदी को करते हैं गुड बाय। अब मिलेंगे फिर अगली बार जब परीताल आएंगे, आराम से धीरे धीरे क्रॉस कर लो। आवाज़ सुन लो यार, वाह 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 मधुर संगीत। चलो फाइनली पहुँच ही गए। बिहड़ गिल का रास्ता जो है यहाँ पे आकर के ख़त्म हो जाता है, और ये रहा वो पुल जहाँ से हमने वो रास्ता स्टार्ट किया था। और फाइनली पूरा ट्रैक कंप्लीट करते हुए बहुत मज़ा आया हमें। मनोज भाई ऑलरेडी पहुँच चुके हैं वहाँ पे। बहुत सही था यार, बहुत सही था, ट्रैक वॉज वेरी ब्यूटीफुल। मतलब बीच में जो रिवर क्रॉसिंग वगैरह थे वो बहुत अच्छे थे, और वहाँ जब पहुँचे तो वो भी बहुत खूबसूरत था यार। मतलब परीताल वॉज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। पहुँच गए यार अपनी गाड़ी के पास, और अब लग रहा है कि चलो थकावट हो गई, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कल वाला जो एपिसोड था वो पसंद आया होगा, बहुत अमेजिंग था ये ट्रैक। चलो करते हैं इस वाले एपिसोड को यहीं पे समाप्त, और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में हो सकता है हम भीमताल या कहीं आसपास के जगह में ही कहीं पे जाएंगे। तो मिलते हैं आपको फिर अब अगले एपिसोड में, और भीमताल के आसपास कहीं घूमते फिरते दिखाई देंगे आपको। चलो स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल, मिलते हैं, गुड बाय।